इंदौर में आज भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने बयान दिया है कि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों का उपयोग करती चली आई। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मध्य प्रदेश की 24 सीटों को जीतने का दावा भी किया है। यह उपचुनाव बीजेपी के लिए जरूरी है, वहीं कांग्रेस के लिए इस उपचुनाव में सीटों पर लड़ने के लिए मुद्दों की कमी है। बीजेपी के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का भी असंतोष बीजेपी में नहीं है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। जाना चाहिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में बहुत फर्क है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सम्मानीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में आज वो हैं कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी उनका स्थान फोटो में भी होगा, मंच पर भी होगा, और जहाँ यथा योग्य उनको सम्मान मिलना चाहिए वो हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इसके कारण मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। ही कांग्रेस का कल्चर है, आजादी के बाद से हमेशा कांग्रेस ने दलित भाइयों के नाम पे, आदिवासी भाइयों के नाम पे, आरक्षण के नाम पर अपना वोट बैंक बनाया, लेकिन हमेशा उनका उपयोग किया। अगर उनकी मंशा वास्तव में उनको लाभ पहुंचाने की होती तो जिस पार्टी ने देश में आजादी के बाद 56 सालों तक शासन किया, उनके रहते हुए 56 साल सरकारें रहते हुए आज की सरकारों को उस वर्ग की चिंता नहीं करना पड़ती, और इसलिए आज अगर उन्होंने जो किया है तो उनके कल्चर का हिस्सा, संस्कृति का हिस्सा है। देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव है, एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा समर्पण मेरी अपनी पार्टी के लिए है, और इस नाते से व्यक्तिगत रूप से हमारी शुभकामनाएं हो सकती हैं, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुझे ध्यान में नहीं आता कि ऐसा कोई विषय पार्टी के सामने आया है, किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है ये ध्यान में अभी तक नहीं आया। मैंने कहा कि कहीं भी ध्यान में नहीं आया कि पार्टी कमजोर है। आपने देखा होगा कि जितने लोग भी अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इन सभी ने बहुत सहृदयता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को स्वीकार किया, और जिस तरह से ये समरस हो रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कठिनाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव चिन्ह, कमल का फूल और पार्टी का ध्वज, इसको देखकर काम करता है, और ये समरस हो रहे हैं तो सभी के लिए अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहीं कोई असंतोष नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। अभिव्यक्ति का अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, मर्यादाओं के साथ अपनी बात सभी कहते हैं। आपने हाट पिपलिया का जिक्र किया है, जोशी परिवार का जिक्र किया है, दीपक जोशी जी मर कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हैं आज भी, जिनका नाम लोग सम्मान के साथ लेते हैं, उस परिवार और उस परंपरा के वो हिस्सा है, और अभी लगातार मेरे साथ कल तक भी भारतीय जनता पार्टी की प्रबंध समिति की सभी बैठकों में रहे हैं, बहुत सार्थक और सकारात्मक सुझाव दिए हैं, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो काम करने जा रहे हैं, इसलिए कहीं कोई असंतोष नहीं है। जहां तक सवाल उपचुनाव का है, 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भली भांति इस बात को जानता है कि चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है, मतदान केंद्र पर लड़ा जाता है, और इसलिए मतदान केंद्र पर हमारे वहां की टीम की तैयारी चुनाव की दृष्टि से हमेशा रहती है। रणनीतिक तैयारियां हमारी बदलती रहती है, जिसका जिक्र समय समय पर आपके सामने पार्टी करती भी है।
लेकिन जहां तक मैदानी लड़ाई का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर तैयार है। 24 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।